गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज जेके लखवानी, योर साइंस टीचर एट स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। टुडे वी विल डील विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो कल जैसे अपन ने देखा था पिछले लेक्चर में अपने, कि अपन ने मिक्सड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो होता है उसका अपन ने इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकाला था। आज अपन उसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल में आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है। ये सर्किट है जिसमें क्या है, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है अपने पास, यहाँ पे एक की है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपन की को ओपन मतलब क्लोज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो के यहाँ पे अपन को रजिस्टर से कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ठीक है। कैसा दिख रहा है कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ से गया तो ये दोनों तो मेरे सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों भी सीरीज में, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे है, पैरेलल में है। तो अपन को क्या निकालने के लिए बोला गया, पहले ये देखते हैं। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, पहले तो अपन को इस पूरे सर्किट का अपन को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की, ये टोटल कितना करंट ड्रॉ करेगी ये अपन को बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अगर अपन देखें इस सर्किट को समझें, तो यहाँ से जब आई करंट चला इस पॉइंट पर, जब आया कौन से वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब आया हो, तो इस पॉइंट पे अब उसके पास दो रास्ते करंट के पास, एक रास्ता ये वाला है और एक रास्ता नीचे वाला, एक रास्ते से वो ऊपर जा सकता है और एक रास्ते से वो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा करंट ऊपर चला जाएगा और थोड़ा करंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। करंट नहीं पता अपन ऊपर कितना गया नीचे कितना जाएगा, ठीक है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो करंट की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब ये वाली जो ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। करंट कभी भी चेंज हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, पैरेलल में, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर जो भी करंट गया वाली ऊपर वाली ब्रांच में, ठीक है, जो करंट गया है ऊपर वाली ब्रांच में वो आर वन से पास होगा, और सेम अब यहाँ पे कोई ब्रांच चेंज नहीं हो रही, तो जो आर वन से करंट पास हो रहा है वही करंट किससे पास होगा, आर टू से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांच अलग से तो नहीं निकल रही इसके लिए। तो आर वन और आर टू के लिए सेम करंट है, मतलब आर वन और आर टू कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। सेम जो करंट यहाँ पर नीचे गया है वो करंट आर थ्री से भी पास होगा, वो आर फोर से भी पास होगा, दोनों से इक्वल करंट पास होगा। तो ये आर थ्री और आर फोर भी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले अपन आर वन और आर टू का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं, आर थ्री और आर फोर का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसे, देखिए कैसे करेंगे अपन सॉल्यूशन। हियर आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में, ठीक है, जिनमें भी करंट एक जैसा जा रहा है वो सीरीज में है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर एस वन, इनका इक्विवेलेंट क्या मान लिया अपन ने, आर एस वन। देयरफॉर आर एस वन इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये अपन को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट प्लस करना रहता है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, आर वन की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस आर टू की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास 15 ओम, ठीक है। तो आर एस वन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15 ओम। सिमिलरली ऐसे ही आर थ्री एंड आर फोर आर कनेक्टेड इन सीरीज, लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर एस टू, ठीक है। अब आर थ्री आर फोर की सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट मान लिया अपन ने आर एस टू, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर एस टू इज इक्वल्स टू आर थ्री प्लस आर फोर, ये कितना है आर थ्री 10 प्लस आर फोर 5, तो ये भी कितना हो गया 15 ओम, इतना क्लियर है। अब जब समझिए आगे देख, अपन ने क्या किया, आर वन और आर टू का कॉम्बिनेशन निकाला, और आर वन और आर टू का दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कितना आ रहा है 15 ओम। तो ये आर वन और आर टू को मैंने दोनों को हटा दिया, और इन दोनों की जगह अगर सिर्फ एक भी लगाता हूं मैं 15 ओम का, तो वो भी वही काम करेगा, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपन यहाँ पे, 15 ओम का हो गया, ये कितना हो गया 15 ओम का। इसे नाम क्या दिया है अपन ने, आर एस वन, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ये हो गया आर एस वन इज इक्वल टू 15 ओम,
ठीक है। ऐसे ही R3 और R4 का कॉम्बिनेशन है, इसे अपन ने RH2 नाम दिया और इसका इक्विवेलेंट कितना आया 15। तो R3 और R4 को अपन यहां से रब कर देते हैं और इसकी जगह अपन क्या लगा देते हैं, इसकी जगह अपन लगा देते हैं RS2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये RS2 हो गया, ये भी लिख रहा है 15 ओम, ठीक है। अब देखो यहां से करंट ऊपर अलग गया था, नीचे अलग गया, ये ब्रांच बन गई है यहाँ पे। तो इस ब्रांच में क्या होगा, ये जो ब्रांच बनी है अपने पास, ठीक है, ब्रांच कभी बनती है तो मतलब क्या हो गया, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अपन अब क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नाउ आर एस वन या आर एस वन एंड आर एस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है। तो क्या मान लेंगे, लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर पी, इसका इक्विवेलेंट क्या मान लिया अपन ने, आर पी मान लिया। अब पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, वन बाय आर पी इक्वल्स टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू होता है। यहाँ पे क्या आर एस वन है और आर एस टू है, तो वन बाय आर पी इक्वल्स टू वन बाय आर एस वन प्लस वन बाय आर एस टू। यहाँ से क्या मिलेगा, वन बाय आर पी इक्वल्स टू वन बाय आर एस वन वन बाय फिफ्टीन प्लस वन बाय आर एस टू भी वन बाय फिफ्टीन। यहाँ पे जब अपन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एलसीएम 15, 15 बन जा 15 तो 1 बन जा 1, ऐसे 15 बन जा 15 तो 1 बन जा 1। यहाँ से अपन को क्या मिला, या यहीं पे लिख देते अपन, दिस इज इक्वल टू 2 बाय 15, ठीक है। तो 1 बाय आर पी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2 बाय 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर पी इज इक्वल टू 15 बाय 2, ठीक है। इसको अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ से भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 15 बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 7.5 ओम। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का वो कितना है, 7.5 ओम। इतना क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा है द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी कितना करंट ड्रॉ करेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था, ये तो अपना कौन सा पार्ट था, ये पूरा अपना ए पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या करते हैं, मैं पहले इरेज कर देता हूँ, बी पार्ट में अपन को बोला है करंट निकालना है। तो अपन को पता है बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अपन को क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे V जो होगा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा अपने सर्किट का, I टोटल करंट हो जाएगा और R क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। V की वैल्यू है अपने पास कितनी, 12, यहाँ पे लिख दिया मैंने 12 इज इक्वल टू आई, तो मुझे निकालना, आई की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 7.5, इसे 15 बाय 2 भी लिख सकते, तो यहाँ पे मैं 15 बाय 2 ही लिख देता हूँ ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 12 मल्टीप्लाई बाय, इसकी साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 डिवाइड में उधर जाके साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया, आई के, ठीक है। अब 3 4 टाइम्स होता है और 3 5 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, 4 टू जा 8 बाय 5 इजिकल्स टू आई, और अपन क्या लिख सकते हैं, आई इजिकल्स टू 8 बाय 5 एम्पियर, ये अपने पास आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर इसे अपन किस में लिखना चाहते हैं, अगर अपन इसे डेसिमल में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, डिवाइड करना तो आपको आता ही है, 5 बन जा 5, कितना बचा 3, पॉइंट लगा यहाँ आएगा 0, 5 6 जा 30, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना 1.6 एम्पीयर, इतना क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल दिया, अपन ने यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस पूछा था अपन से वो भी अपन ने निकाल दिया,
और टोटल करंट पूछा था, ये भी अपन ने फाइंड आउट कर दिया। तो आज अपन ने एक और न्यूमेरिकल देख लिया जो किसके ऊपर डिपेंड था, मिक्सड कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो एक बार वीडियो को और रिवाइंड करके शुरू से देखें, उसके बाद भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, जितनी जल्दी होगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।